हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th एंड दिस वीडियो इज चैप्टर ओके 6 एंड पार्ट 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूक्लिड्स जियोमेट्री. व्हाट इज दैट? यूक्लिड्स जियोमेट्री. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? एक थ्योरम नंबर 1 हमने देख लिया था, जिसमें क्या था, अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस है उनमें कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही हो सकता है, ऐसा हमने प्रूव किया था. अगर अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरम नंबर 2 के तरफ. व्हाट इज दैट? व्हाट हैज बीन गिवन हियर इन दिस थ्योरम? वी हैव टू प्रूव, मींस प्रूव दैट द लाइंस व्हिच आर पैरेलल. व्हाट इज दैट? लाइंस व्हिच are parallel, okay, to a given line, parallel to a given line, lines which are parallel to a given line are parallel, the lines which are parallel to a given line which are parallel. So, okay, यहाँ पे given part हमारे पास क्या है वो देख लिया जाए. गिवन है, एक मिनट. ओके, फर्स्ट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन. देखिए गिवन क्या है इसमें, लेट अस सपोज वी हैव लाइन एल एम एंड एन. यहाँ पे एल इज जो है, सॉरी, यहाँ पे एल जो है पैरेलल टू है किसके? एल जो है वो पैरेलल है एन के, और एम जो है सिमिलरली एम जो है वो पैरेलल है किसके? एन के. ठीक है, ये गिवन पार्ट है. एल पैरेलल टू एन एंड अनदर लाइन एम पैरेलल टू एन. सो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो ये एल है वो पैरेलल होगा किसके? एम के. देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है. एक लाइन एल है वो पैरेलल है एन के, एक लाइन एम है वो भी पैरेलल है एन के. तो ये जो जो दोनों लाइन है वो खुद में भी पैरेलल होंगे. अब देखिए यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ. ठीक है, ये है आपका बीच वाला एन, ये है एल, ये है एम. दिस एल इज पैरेलल टू एन, दिस एम इज पैरेलल टू एन. सो वी हैव टू प्रूव एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एम. ओके, यही है वो कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अगर ये दोनों लाइन L और M पैरेलल टू ये गिवन लाइन है, सो देन दीज टू लाइन्स विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, यही हमको है. तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं कैसे है प्रूफ. इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो, इफ पॉसिबल, ठीक है, लेट L बी नॉट पैरेलल टू M. L, लेट ये क्या है, लेट कर लेते, एल बी नॉट पैरेलल टू व्हाट? एम. एल बी नॉट पैरेलल टू एम, जबकि हमको यही प्रूव करना है कि एल और एम पैरेलल है. लेकिन हम पहले ही मान लीजिए कि ये पहले लेट क्या कर रहे हैं कि यही दो दोनों है वो वही एल और एम जो है, इन्हीं दोनों को हमको पैरेलल प्रूव करना है एक्चुअली इस थ्योरम में. लेकिन हम ये क्या लेट कर रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, और ये ऐसे प्रूफ करते जाएंगे और जिस सिस्टम कहीं जाके हमारा स्टक होगा तो हमारा जो ये अजम्पशन है वो रॉन्ग है. मतलब ये दोनों पैरेलल है, ऐसे हम लोग निगेट रॉन्ग साइड प्रूफ करते हैं, मतलब अपोजिट साइड से जाके हम इसे प्रूफ करते हैं. तो हम पहले ही लेट कर लिए कि ये दोनों पैरेलल नहीं है. तो जब नहीं है देन एल एंड एम शुड इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट. इसका मतलब क्या है? देन जब पैरेलल नहीं है, एल एंड एम विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. और वो पॉइंट कैसा होगा? यूनिक होगा, एक ही सिर्फ पॉइंट होगा. ठीक है, चलिए हम वो पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अब होगा दस थ्रू पॉइंट पी. ओके, थ्रू पॉइंट पी
आउटसाइड एन, ठीक है, देर आर टू लाइन्स, देर आर टू लाइन्स एल एन एम, गॉट इट, बोथ पैरेलल टू एन, बोथ पैरेलल टू एम, एल एन एम बोथ पैरेलल टू एन, सॉरी यहाँ पे ये एन है, ठीक है। अब देखिए, बट टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल, बट टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, टू द सेम लाइन, सो वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, यही हो गया हमारा, स्टक हो गया हम लोग यहाँ पे, सिंस व्हाट द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, द कॉन्ट्राडिक्शन arises because by assuming L, okay, arises by assuming that L is not parallel to M, L and कौन सा M are not parallel, therefore L and M are parallel. So, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, मैं बता रहा हूँ। ओके, एक्चुअली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो L है और ये जो M है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, हमने ये मान के चला है, लेट L ओके पैरेलल नहीं है किसके, M के, हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये M, बट गिवेन दैट, बट गिवेन हमारे को है कि M जो है वो पैरेलल है किसके, N के, और ये L जो है वो पैरेलल किसके है, N के। तो जब जब ये दोनों एक दूसरे, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, मतलब इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में और ये दोनों में एक तो कॉमन पॉइंट है, किस दोनों में, L में, मैं ये रेड कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो हमको L है वो रेड कलर, और ये देखिए ये N है, ये वाला M है, और देखिए ग्रीन कलर जो है वो N है, इधर भी ये ग्रीन कलर वो N वाला लाइन है, इधर भी ये देखिए ये N वाला, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये वाला और ये पैरेलल नहीं है, तो मतलब दोनों में क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा लाइन भी होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये तभी संभव है जब इन दोनों में कोई, किसी में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ओके। तो हेंस हम यही बोल रहे हैं कि N के पैरेलल जो है वो L है, और N के पैरेलल M है, ये M है, ये N है, ये L है, तो L और M ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल ही होगा, गॉट इट। तो यही है उसका प्रूफ और कंसाइज। तो चलिए अगले थ्योरम भी देख लेते हैं। अगला थ्योरम हमारे पास क्या है कि इफ लाइंस ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एल, क्या है इफ लाइंस, क्या क्या, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी ए ई, ये सब ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल parallel to a line, okay, L, comma, then show that the point ABCD, the point
ए ओके बी कॉमा सी कॉमा डी ओके आर कॉमा ई आर को लिनियर। ठीक है, थ्योरम यह है कि इफ लाइंस ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू अ लाइन एल ए बी ए सी ए डी ए ई, ठीक है, आर पैरेलल। देखिए लेकिन ये सब ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे पॉइंट ए कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, ये ए है, ठीक है, ये ए है और इसके पैरेलल में हमारा कोई ए सी है, ठीक है, ये है, फिर इसी के पैरेलल में हमारे पास कोई ए डी है, फिर इसी के पैरेलल में हमारा कोई ए ई है, ठीक है। सो बोल रहा है कि तो ए बी सी डी ई जो है वो क्या है, को लीनियर है, ये सब एक दूसरे के कोलिनियर है। इफ लाइन ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइन ए बी जो है वो किसके एल है, यहाँ पे कोई एक लाइन है, ऐसे में ही इससे खींच लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन एल है। चलिए हम इसको ए बी जो है वो लाइन है एक, ठीक है, वो इसके क्या है, पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू एल। सिमिलरली ए बी जो है वो पैरेलल टू है, सॉरी ए सी जो है वो भी पैरेलल टू एल है, सिमिलरली ए डी पैरेलल टू एल है और ए ई पैरेलल टू एल है। तो ये जो लाइन्स है, ये जो सब पॉइंट्स है, वो सब एक दूसरे के कोलिनियर है, ए बी सी डी ई, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंस ए बी ए सी ए डी और ए ई, ये जो सारे हैं क्या है, पैरेलल है, आर पैरेलल टू एल, इट फॉलोज दैट, इसका मतलब क्या है, इट फॉलोज दैट ए इज अ पॉइंट आउटसाइड एल, ए इज आउटसाइड एल, ये लाइन से बाहर है ये वाला पॉइंट, ये कह रहा है ये, ठीक है, ये लाइन से, ये लाइन पे नहीं है, समवेयर कहीं बाहर है, या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, कहीं बाहर है, वो ये बोल रहा है, ठीक है, ए इज आउटसाइड एल। तो क्या होगा, थ्रू विच लाइन्स ए बी ए सी ए डी ए सी आर ड्रॉन, और इस ए से क्या ए बी ए सी ए डी और ए ई है जो खींचा गया है, आर ड्रॉन एंड सब जो है वो सब पैरेलल है किसके, एल के, ये सब पैरेलल है एल के, बट बाय पैरेलल लाइन एक्सियोम्स, बट बाय पैरेलल लाइन एक्सियोम्स ओके वन एंड ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन ओके कैन बी ड्रॉन थ्रू ए, थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल एंड पैरेलल टू एल, बट बाय द पैरेलल लाइन एक्सियम वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल, सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओके ओनली व्हेन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ओके ई ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, तो हेंस ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, सो हेंस प्रूव्ड। आई विल कंटिन्यू ओके दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई होप यू आर गेटिंग द थ्योरम कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज ईजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, रीड वेल सेंटेंसेस एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट।
अगले एपिसोड में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये, यूक्लिड ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन ये सिर्फ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।